निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए द न्यूज लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको समझ नहीं आया, इसे समझने के लिए। जय हिंद दोस्तों, मनोरंजन जगत के जाने माने होस्ट राघव जुआल इन दिनों मुसीबत में घिरे हुए हैं। हम आपको बता दें कि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो अजीबोगरीब भाषा में जो है बात करते नज़र आ रहे हैं, और ऐसा करने के बाद वो एक गुवाहाटी की बच्ची को परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं। इस वीडियो के सामने आते ही लोग उन्हें भद्दी भद्दी बातें कहने लगे हैं, और अब हम आपको बता दें कि जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है, बाकायदा राघव जुआल की तरफ से एक वीडियो जारी के माफी मांगी जाती है। दरअसल हम आपको बता दें कि ये पूरा कंट्रोवर्सी एक शो के दौरान की है। हम आपको बता दें कि उस शो में राघव जुआल जो है बकायदा एक कंटेस्टेंट जो कि असम के रहने वाली है उसका एक विवादित परिचय देते हैं। उस परिचय की वीडियो को वायरल जब किया जाता है तब उन पे ये आरोप लगते हैं, राघव जुआल पर ये आरोप लग रहे हैं कि बकायदा राघव जुआल ने उस बच्ची के ऊपर अभद्र और नस्लवादी जो है टिप्पणी की है, जिसको लेकर के अब राघव जुआल को चारों तरफ से खिंचाई जा रही है। और हम आपको बता दें कि जैसे ही ये कंट्रोवर्सी बढ़ती हुई देखी गई, दरअसल हम आपको बता दें कि राघव जुआल ने अपनी एक नई वीडियो जारी करके इसके लिए माफी भी मांगा। हम आपको बता दें कि उन्होंने इसकी सफाई देते हुए कहा कि एक छोटी सी क्लिप को देख करके उनको टारगेट ना किया जाए, अब पहले पूरी वीडियो देखी जाए उसके बाद मुझे टारगेट किया जाए। साथ ही हम आपको बता दें कि राघव जुआल ने इस चीज के लिए माफी भी मांगी, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करने से किसी को दुख हुआ है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचाने के लिए नहीं था। दोस्तों एक मेरी क्लिपिंग, छोटी सी क्लिपिंग, पूरे बहुत बड़े शो में से एक छोटी सी क्लिपिंग एक वायरल हुई है, जिसमें मुझे हेट कमेंट्स मिल रहे हैं। हेट कमेंट्स का ऑब्वियसली मुझे रेसिस्ट कहा जा रहा है। मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ आप सबसे। उसकी कहानी बताना चाहता हूँ उस क्लिपिंग से पहले की, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरे शो देख के आइए एक बार और फिर वो क्लिपिंग को जज कीजिए, क्योंकि वो इतनी सी क्लिपिंग निकाल के जज करना ठीक नहीं रहेगा यार।